बच्चों, कंपटीशन कम्युनिटी अपने सभी बच्चों के जज्बे को और सामर्थ्य को सलाम करता है और इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप सभी बच्चों के लिए एक ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है जो 2 अप्रैल को संडे को होने वाला है आपके कंपटीशन कम्युनिटी के चारों सेंटर में। इसके फैसिलिटीज ये है कि अगर आपने इस टेस्ट को कंडक्ट किया है और अगर आप 1st, 2nd, 3rd रैंक पर हैं, कहने का मतलब कि आपके जो इंटीग्रेटेड बैच है, जो सबसे पॉपुलर बैच है, और आपकी CGPSC प्री की बैच है, इनमें आपके फीस में जो है वो आपको ऑफ मिलेगा। यानी कि यदि आपने 60-80 मार्क्स लाए हैं CGPSC मेंस में, आपको 15,000 का आपको ऑफर मिलेगा। साथ ही 40-60 मार्क्स लाते हैं तो फीस में इंटीग्रेटेड में आपको 10,000 का ऑफ मिलेगा, और 20-40 मार्क्स लाते हैं तो 5,000 का ऑफ मिलेगा। यानी कि इंटीग्रेटेड में आपको इस तरह के फैसिलिटी हैं जो आपको फीस में कम होंगी। इसी प्रकार अगर आप CGPSC प्रीलियम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 60-80 वाले बच्चों के लिए आपके 5,000 का ऑफ है, और उसी फीस में 40-60 नंबर वाले बच्चों के लिए 4,000 का ऑफ है, और 20-40 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए 3,000 का ऑफ है। यानी कि ये जो ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये आपके सामर्थ्य को, आपके जज्बे को सलाम करता है और आपकी भविष्य की कामना को ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशल इसे लाया गया है। दूसरी बात, आपने सुना होगा चंडू खाने की गप। क्या आप जानते हैं कि चंडू खाने की गप क्या होती है? हाँ, जहाँ से झूठी अफवाह निकलती है। क्या आपको चाय पसंद है? हाँ, मुझे तो चाय बहुत पसंद है। तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना चाहेंगे? तो एक आपके लिए ऑफर है चाय पर चर्चा, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि चंडू खाने की जो गप होती है ना, वहाँ से झूठी अफवाहें निकलती है, पर जब चाय पर चर्चा होती है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती जिसमें तर्क वितर्क, यहाँ तक कि आपके विचार विमर्श होते हैं। तो एक आपके लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है सामर्थ्य को सलाम, जो आपके टेस्ट होंगे उसके बाद 2-4 ये समय होगा आपका चाय पर चर्चा, जहां आप अपने अनुभवी शिक्षकों से अपने मन के व्यवधान को पूछ सकते हैं। तो आपको देर किस बात की है, आपको चाय पर चर्चा के लिए मैं निमंत्रण देती हूं, मैं आपको आमंत्रित करती हूं, आप आइए और अपने शिक्षकों से अपने मन में उठने वाले सभी सवालों को वहां पर रखिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनसे आप पर जवाब जो है प्राप्त कीजिए। तो ध्यान रखें कि इस 2 तारीख के बाद में 3 अप्रैल से रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और दुर्ग में एक आपकी ऑफलाइन बैचेस हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं। तो 2 तारीख को आपका ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट है, लेकिन 3 तारीख को चारों ब्रांच में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो चाय पर चर्चा करते हुए, अपनी परीक्षा में अपने सामर्थ्य को समझते हुए वहाँ विशेष तौर पर आप वहाँ पर उपस्थित होइए और 3 तारीख के होने वाले उस ऑफलाइन बैचेस में अपनी सीट बुक कराइए।